बनाना। अब नेक्स्ट बी दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें क्लोविंग या स्टैंडिंग,
तो क्या किया उसने, फिलहाल यानी चार पैरों से चलना सीखे, उसके बाद वो खड़ी होना सीखी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नी बर्थ टू वॉकिंग। मुन्नी अपने जन्म के यानी जन्म के कितने टाइम बाद चलना सीखी। बच्चों वो तुम्हें वो जो डायरी के पेज दिए उससे काम करके लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52। Give correct order from the decades given below and answer following question। बच्चों ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं उसके आंसर दिए हैं, देने हैं तुम्हें, और ये जो तुम्हें ऊपर राउंड सभी बना के दिए उसके करेक्ट ऑर्डर के रूप में तुम्हें नंबर देने। बच्चों ये हमने अपनी नोटबुक यानी वर्कबुक टेक्स्ट बुक में किया था, उसके हिसाब से तुम्हें सभी ऑर्डर दे नंबर करेक्ट ऑर्डर में नंबर लिखने हैं और क्वेश्चन के आंसर तुम्हें लिखने, ये आपको अपनी लिख से फिलअप करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर डिटेल्स गिवन बिलो। ये पिक्चर्स तुम्हें देखना है और उसके ऊपर से क्वेश्चन के आंसर देने। बच्चों ये जो पिक्चर्स दिए हुए वो हमारी टेक्स्ट बुक के ही हैं और क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के हैं, फिर भी मैं एक करवा दी हूँ, एक सेट बाकी रहेगा वो तुम्हें कर देना है। तो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 53 पर क्वेश्चन है, हाउ मच ओल्डर इज अबूज ग्रैंडफादर देन रानी ग्रैंडफादर। यानी कि अबू के ग्रैंडफादर जो है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितने ओल्ड है। तो हम क्या करते थे उसके बीच में, ये उनकी एज का जो डिफरेंस है वो हम ढूंढते थे, उसके ऊपर से हम अपने आंसर का जवाब अपने क्वेश्चन का आंसर देते थे। तो बच्चों यहाँ पर हम डिफरेंस ढूंढेंगे, डिफरेंस कितना है, अबू के ग्रैंडफादर जो है उनकी एज क्या है बच्चों, 95 ईयर, और रानी के ग्रैंडफादर की 70 है। तो बच्चों ये जो सब्सट्रैक्शन करके हमें आंसर मिलेगा वो उनकी एज का डिफरेंस होगा, 95 माइनस 70 यानी 5 माइनस 0 यानी 5 और 9 माइनस 7 यानी 2। तो कितना डिफरेंस है उन दोनों की एज के बीच में, 25 ईयर्स। तो बच्चों ये जो है वो हमारा आंसर आएगा कि रानी के ग्रैंडफादर है वो, जो अप्पू के ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से 25 ईयर्स ओल्ड है। तो बच्चों इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच यंगर इज चाचूज लेट ग्रैंडफादर एंड अप्पूज ग्रैंडफादर। यानी चाचू रेट्स के जो ग्रैंडफादर है वो अप्पू के ग्रैंडफादर से कितने यंग है, वो भी तुम्हें इसी तरह डिफरेंस की वजह से फाइंड करके आंसर लिखना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पहला है, किंजल डी हर होमवर्क फ्रॉम 8 hours and 15 minutes आवर टू 9:30 hours एट नाइट, देन हाउ मच टाइम डी इज स्पेंड डूइंग हर होमवर्क। यानी कि जो किंजल है वो 8 hours and 15 minutes को वो अपना होमवर्क लेके बैठती है और 9 hours and 30 minutes को वो कंप्लीट कर देती है, तो उसने कितना टाइम होमवर्क करने के लिए स्पेंड किया वो तुम्हें लिखना है बच्चों। तो बच्चों पहले भी मैंने तुम्हें आगे स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम का सिखाया कि जो स्टार्टिंग टाइम बताया है उसको हम एंडिंग टाइम में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो स्पेंड टाइम चाहिए वो मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, उसने कंप्लीट कब किया, 9 hours and 30 minutes को, बट स्टार्ट कब किया था उसने, 8 hours and 15 minutes। तो बच्चों ये जो सब्सट्रैक्शन है मिनट्स और आवर्स के, मिनट्स और आवर्स के, तो हमें उसका आंसर मिल सकता है। तो क्या 3 0 से 5 का सब्सट्रैक्ट करके क्या होगा, 12 10 यानी 5 और 2 माइनस 1 यानी 1 और यहाँ 9 माइनस 8 यानी 1। तो बच्चों उसने कितना टाइम स्पेंड किया अपने होमवर्क में, क्योंकि 1 hours उसने क्या कितना टाइम स्पेंड किया, 1 hour और 15 minutes। तो बच्चों इसी तरह आगे भी क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करना है,
मैं समझा देती हूँ सब, बाकी तुम्हें सॉल्व करो। जिनर टेक हर ब्रदर्स फ्रॉम 3 and 40 hours to 5 and 50 hours. Then how much time did the Jinner spend teaching her brother? Jinner है वो अपने अपने छोटे भाई को teaching यानी सिखाने के लिए 3 hours और 45 minutes से 5 hours और 50 minutes तक बैठता है। तो उसने अपने भाई को teach यानी कि सिखाने में कितना time spend किया वो तुम्हें ढूंढना है। इसी तरह बच्चों थर्ड, the bus leaving Ahmedabad at 7 hours and 45 minutes reached Ambaji at 12 hours and 5 hours. Then how much time the bus took to reach Ambaji from Ahmedabad? यानी एक बस बच्चों अहमदाबाद से 7 hours और 45 minutes को निकलती है और वो अंबाजी 12 hours और 5 minutes को पहुंचती है। तो ये बस ने बच्चों अहमदाबाद से अंबाजी पहुंचने में कितना टाइम निकाला है वो तुम्हें ढूंढना है। अब इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इन अ स्कूल द पीरियड ऑफ मैथ इज फ्रॉम 11 टू 15 आवर्स टू 12 टू 5 आवर्स, देन हाउ लॉन्ग वाज द मैथ्स पीरियड? यानी आपके स्कूल में जो मैथ्स का पीरियड है वो 11 आवर्स और 15 मिनट से स्टार्ट होके 12 आवर्स और 5 मिनट तक है। तो आपको ये ढूंढना है कि वो जो पीरियड है मैथ्स का वो कितने मिनट्स का है यानी कितना लॉन्ग है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54, अ बर्थडे पार्टी स्टार्ट एट 8:35 आवर्स इन इवनिंग एंड फिनिश द टेन ऑफ 5 आवर्स एट नाइट। तो कि देन हाउ लॉन्ग डिड बर्थडे पार्टी लास्ट, यानी कि बच्चों यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी है वो स्टार्ट होती है इवनिंग यानी शाम को 8 hours and 35 minutes से और जब वो पूरी होती है तब रात के 10 hours and 5 minutes होते हैं। तो ये बर्थडे पार्टी कितनी लॉन्ग थी ये तुम्हें ढूंढना है। तो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, filling the table empty space with yes or no in the table there's the details given inside it, यानी टेबल के अंदर तुम्हें डिटेल्स दी हुई है उसके ऊपर से तुम्हें यस और नो में आंसर लिखने हैं। तो बच्चों पहली कॉलम में नंबर दिए हैं, सेकंड कॉलम में आइटम, फिर मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट और लास्ट में लिखा है कैन यू यूज इन जुलाई 2008 यस और नो, यानी ये सभी ऐसी आइटम बच्चों दी हुई है जो एक्सपायर हो सकते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायर डेट दोनों तुम्हें दी हुई है और आपको ये बतानी है कि वो चीज़ जो है वो जुलाई 2018 के दिन हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यूज़ कर सकते हैं तो आंसर में यस लिखना है और नहीं कर सकते तो नो लिखना है। तो पहली कब सिरप है बच्चों उसके ऊपर डेट है एक्सपायर, मैन्युफैक्चर डेट उसकी है 5 मार्च 2017 और एक्सपायर है 5 मार्च 2019। तो क्या आप 18 में यूज कर सकते हैं? तो कि यस, तो उसका आंसर हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। अब हम 7 सॉल्व करते हैं। 7 में बच्चों बटर दिया हुआ है उसकी मैन्युफैक्चर डेट है 17 मई 2018 और एक्सपायर डेट है 17 मई 2019। तो बच्चों यहाँ पर तो हमें ये कहा है कि जुलाई 2018 के दिन हम यूज कर सकते हैं तो क्या बच्चों हम यूज कर सकते हैं? बच्चों सभी हमें 18 में यूज करना है तो क्या करेंगे हम? हाँ तो क्या ये तो 19 तक चलेगा तो 18 का जो जुलाई मंथ है वो तो 18 में आएगा तो हाँ उसे यूज कर सकते तो आंसर रहेगा यस। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट मेडिसिन टेबलेट है मेडिकल की उसके ऊपर एक्सपायर मैन्युफैक्चर डेट लिखी है मई 2015 और एक्सपायर डेट है मई 2017। और बच्चों हमें यूज कब करनी है? जुलाई 2018 के दिन। तो क्या बच्चों हम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये 15 से 17 तक
एक्सपायर हो जाती है और हमें कब यूज करना है, 18 देखता हूँ, उसे यूज नहीं कर सकते। तो आंसर में क्या आएगा, नो, कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन उसमें 4 और 5 वो टेबल में तुम्हें कंप्लीट करना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मैन्युफैक्चरर डेट ऑफ द पेटेंट ऑफ रोस्टेड कोरिएंडर फॉर यानी फॉर 2008 एंड एक्सपायर डेट 10/2008, देन व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर डेट एंड एक्सपायर डेट। बच्चों यहाँ पर एक रोस्टेड कोरिएंडर यानी जो सेके दाने होते हैं वो दिया हुआ है, उसकी एक्सपायर डेट और मैन्युफैक्चर डेट हमें दी हुई है और हमें ये बताया है कि जो मैन्युफैक्चर और एक्सपायर डेट के बीच में कितना टाइम है वो हमें ढूंढ के बताना है। तो बच्चों उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 4/2008 है और एक्सपायर डेट है वो 10/2008। इसी तरह जो नंबर लिखते हैं उसमें मंथ और ईयर ही होते हैं, डेट नहीं है। तो हम ये देखते हैं दोनों में ईयर सेम ही है, हमें बस ढूंढना क्या है, मंथ उनके बीच में ढूंढना है। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बीच में कितना टाइम हुआ वो ढूंढना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मंथ हुए, 6 मंथ। बच्चों आप इसी तरह भी ढूंढ सकते हो और सीधा सब्सट्रैक्शन से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें पहले देखा था स्टार्टिंग डेट ऑफ स्टार्टिंग और एंडिंग, तो हम 10 से 4 को सब्सट्रैक्ट करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं, कितना होगा 6, यानी कि 6 मंथ तक ये हम यूज कर सकते हैं, उसके बीच में जो टाइम है वो 6 मंथ का है। अब बच्चों नेक्स्ट, इन द मैन्युफैक्चर डेट ऑन द टी और घी, यानी घी की जो पैकेट होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट दी हुई है 19/12/2017। इफ द राइटिंग बेस्ट बिफोर 118 डे, तो डेट पैकिंग देन वुड बी सेफ टू यूज द 29/4/2018। बच्चों यहाँ पर घी की पैकेट जो होती है उसके ऊपर मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है 19 December 2017 और उसके ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ है कि उसे तुम 180 दिन तक यूज कर सकते हो, तो क्या हम उसे 29/4/2008 के दिन यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये काउंट करके तुम्हें लिखना है। तो बच्चों इसी तरह क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये तुम्हें फिलअप करना है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों ये 16 और 17 दोनों जो क्वेश्चन है वो मैंने वर्कबुक टेक्स्टबुक में करवाए थे, वही बिल्कुल सेम है, तो फिर भी मैं एक एक करवा दी हूँ, बाकी तुम्हें करना है। तो पहला है बच्चों, एक्सप्लेन द डेट एज पर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी तरह तुम्हें सॉल्व करना है। तो 2/3/2007 उसको क्या लिखा है, 2 मार्च 2007। इसी तरह जो से थर्ड नंबर का है 4/9/8 इसे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, और ये 9 जो बच्चे मैंने कहा था वो टाइम भी कि उसे हम मंथ कहते हैं, तो मंथ से काउंट करके लिखो, क्या होगा ये सितंबर होगा। और ये 2008, तो हमें इसी तरह लिखना है फिर इंटरव्यूज में। अब क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, राइट द डेट इन फिगर एज पर एग्जांपल, ये जो डेट तुम्हें राइटिंग में दी हुई है उसे तुम्हें क्या करना है, एग्जांपल में यानी नंबर में लिखना है, इसका उल्टा बच्चों, ये तुम्हें नंबर में दी हुई है तुमने उसे राइटिंग में लिखा, अब क्या हुआ राइटिंग में दी हुई है तुम्हें नंबर में लिखना है। तो थर्ड नंबर का दिया हुआ है 10 August 2008, तो हम क्या करेंगे,
first means 10 और 2008 को हमें होंगे 0 तो बच्चों इसी तरह ये हमें कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज पेज नंबर 56 बच्चों कंप्लीट द डिटेल ऑफ द टेबल यानी टेबल की जो डिटेल्स है वो हमें कंप्लीट करनी है। तो बच्चों पहले तुम्हें जो वर्ड्स दिए हुए टाइम बाय 12 आवर्स क्लॉक एक 12 आवर्स की क्लॉक दी है दूसरी 24 आवर्स की क्लॉक दी हुई है। तो 12 आवर्स की जो क्लॉक है उसमें 1 आवर्स हुए तब वो 24 आवर्स की क्लॉक में कितने बजे 13 आवर्स। तो हमें क्या करना है बच्चों तो हमें जो ये टेबल है इसमें दो वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो फॉलो करना है। बच्चे यहाँ पर जब 3 और 13 आवर्स हो गए तब वहां कितना टाइम हुआ होगा 50 और 13। इसी तरह बच्चों जब ये 24 आवर्स की घड़ी में 16 आवर्स और 20 मिनट हुए होंगे तब यहाँ पर कितना टाइम हुआ होगा वो तुम्हें ढूंढना है। तो बच्चों ये ढूंढने के लिए एक शॉर्ट मेथड है उसके लिए क्या करना है तुम्हें उसमें से 12 आवर्स सब्सट्रैक्ट कर देने यानी यहाँ पर 16 आवर्स दिए हुए तो हमें क्या करना है 16 में से 12 आवर्स सब्सट्रैक्ट कर देने क्योंकि ये हमारी 12 आवर्स वाली वॉच है। तो क्या करेंगे 16 माइनस 12 मीन सिंपल यानी 4 आवर्स। बच्चों मैंने ये तो तुम्हें कहा कि मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता यानी 4 आवर्स और 20 मिनट। इसी तरह बच्चों ये टेबल जो तुम्हें दिया हुआ है वो तुम्हें कंप्लीट करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट उसके जो बच्चों लेट्स डू होमवर्क और टेस्ट योरसेल्फ के जो क्वेश्चन दिए हैं वो तुम्हें अपनी बुक से फिलअप करने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये होमवर्क कंप्लीट होता है। थैंक यू।